अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की पावर लूम जो है, जो जिसको मालेगांव शहर की धमनियां या तो नसें कहा जाता है, ये शहर पावर लूम का और मस्जिदों मीनारों का शहर कहा जाता है। और पावर लूम्स गुज़िश्ता 2 माह से बंद है, तो मजदूर परेशान है। माह रमज़ान में जो कोई साहिब माल है, जिनको जिनको अपने फरीजे निभाने हैं, निभाने का हुक्म है, ऐसे लोगों में मजदूरों को राशन दिया है, हफ्ता 500 रुपए की मदद की है, और ये कोशिश की है कि जिंदगी बरकरार रहे, जिंदगी का लोगों का गुजार हो। लेकिन हालात बहुत खस्ता है, हालात बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में पावर लूम्स का शुरू होना नहायत ज़रूरी है शहर के लिए। तो इंतज़ामिया ने कोशिशें की हैं और रियासत से ये गुजारिश की है कि यहाँ पर पावर लूम अगर शुरू होते हैं तो शहर में जो अमन और चैन का माहौल है वो वापस लौट के आ सकता है और ज़िंदगी आगे चल सकती है हमारे शहर। तो इसके बाद हमने पावर लूम्स के ओनर से मीटिंग की, मालेगांव पावर लूम एसोसिएशन के लोगों से मीटिंग की, कुछ व्यापारी जो इस साइड में बसते हैं नदी के उनसे बात की, पाली बालोतरा में क्या हालात सूरत हाल है उसकी मालूमात ली। उसके बाद इस नतीजे से हम पहुंचे हैं कि पावर लूम शुरू होना ही ज़रूरी है। तो इसके बारे में 119 कंटेनमेंट जोन जो शहर में बनाए थे, तो कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने, एडिशनल कलेक्टर साहब ने मिलकर 19 के उनको 45 जोन बनाए हैं, ताकि लोगों को लूम में जाने में, आने जाने में सहूलियत हो। तो ये प्लान हमने अभी किया है। धीरे धीरे मुझे लगता है लोग कुछ लोग भी अभी जिनको काफ़ी इंटरेस्ट है इस बात में कि लूम शुरू हो, तो वो अपना अपना कारोबार शुरू करेंगे और इंशाल्लाह शहर वापस अपनी रवानी में। धीरे धीरे वक्त तो लगेगा क्योंकि बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब गम ही नहीं ठहरा तो खुशी की क्या औकात है, और जब खुशी नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। ये तो धूप छाव चलने वाली है। और मजदूरों के लिए मैं एक मैसेज दूंगा कि अपना हौसला पस्त ना होने दें। शहर का कोई भी कारागिर, कोई भी लूम वर्कर, कोई भी आदमी जो मेहनत करता है, जद मुसलसल करता है, रिस्क हलाल कमाता है, उसके लिए मेरा मैसेज है कि टूटने लगे जब हौसले तो बस इतना याद रखना, टूटने लगे जब हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज कामिल नहीं होते, और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। शुक्रिया। पावर लूम मैंने कब से चालू करेंगे, ये ऐसा कोई तारीख उसकी? अभी जिसको चालू करना है वो चालू करे। हम पुलिस से ताउन किया, हम लोगों ने गठाने उठाना, यहाँ आना जाना, उसके लिए गाड़ियां लगेंगी, उसके लिए परमिशन कलेक्टर साहब दे रहे हैं। तो ये सब थोड़ा वक्त लगेगा, मशीन जाम हो गई, अभी क्लीनिंग वगैरह कुछ लोगों ने शुरू किया है। पावर रूम शहर के अंदर चालू हो जाएंगे सर, तो पाली बालोतरा है और राजस्थान है, और जहाँ बाहर से हमारी स्प्रिंग मिल जो है और बॉम्बे है, तो यहाँ से सब माल आना जाना भी शुरू हो जाएगा। उसी बारे में बात हुई है, उसके लिए रियासत से रियासत बात करेगी और वो काम शुरू करेगी। पावर रूम के अलावा कुछ और दुकानें चालू होना शहर में, दुकानें जो कंटेनमेंट जोन में नहीं वो तो शुरू रहेंगे, और बाकी दूसरे इलाकों में और दूसरी दुकानें हैं, जैसे चाय की दुकान और ये सब, उसको जैसे रेगुलेशन वो कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे। 31 तारीख तक जैसे दुकानें चालू है, जो किराना दुकान है या मेडिकल शॉप है, उतने ही चालू रहेंगे। 31 के बाद फिर से नया डिसीजन आएगा गवर्नमेंट का, लॉकडाउन है तो 31 तक जो पॉलिसी है वही चलेगी, उसके बाद नई पॉलिसी डिसाइड होगी। और 31 से पहले अभी जो पावर लूम चालू करना चाहता है शेड मालक, तो वो पावर लूम अभी चालू करता है जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है, जो बाहर है उसके।